हेलो एवरीबडी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हरियाणा पुलिस का पेपर था सब इंस्पेक्टर का, मेल का 26 तारीख को सुबह वाली शिफ्ट में और 26 तारीख को शाम वाली शिफ्ट में, फीमेल का है SI का। तो अभी मेल SI का जो पेपर है वो हो चुका है और उसकी जो आंसर की है वो हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और जितने भी यहाँ पे मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ ऑफिशियल है, वो कन्फर्म किए गए हैं और कन्फर्म करके मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं टीचर नहीं हूँ लेकिन मैं नेट से सारी चीज़ें देख के फिर आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो यहाँ पे मेरे को उत्तर नहीं मिला, मैं उसके लिए आपको साफ मना कर दूंगा क्योंकि 5-7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं मिले इंटरनेट पर, ठीक है। तो जो सबसे पहला प्रश्न है वो है किम्बरले किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये चीज़ है ना, हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है भारतीय दंड संहिता भारत में कब लागू हुई। तो 1860 में लागू हुई थी, 1860 में, ठीक है। उसके बाद में तीसरे प्रश्न का जवाब नहीं मिला है। चौथे प्रश्न, भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त करने का कानून कब पास किया। तो ये किया था 5 अगस्त 2019 को। क्या है? 5 अगस्त 2019 को। प्रश्न नंबर पाँच रहेगा आपका, जब कोई अपराध किया जाता है तो कौन सी निम्नलिखित क्रिया को पुलिस अपराध की जांच में अपनाती है। तो इसका उत्तर रहेगा C, A और B, पीड़ित से संबंधित कानून और आरोपी से संबंधित कानून, इन दोनों का क्या है प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में पुलिस एक्ट वाला जो छठा प्रश्न है, इसका आंसर नहीं मिला है कहीं पर भी, ठीक है। उसके बाद में सातवां प्रश्न है, इनमें से कौन भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नहीं है। तो इसका ऑप्शन है भाई C, T.N. Sessions सुरक्षा सलाहकार नहीं रहा है भारत का, ठीक है। उसके बाद में प्रश्न नंबर आठ, ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत कब की गई थी। तो ऑपरेशन मुस्कान की जो शुरुआत की गई थी वो 2015 में की गई थी और 2 जुलाई 2015 को की गई थी, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 9, वल्थोल नारायण मेनन किस प्रकार की भारतीय नृत्य कला के प्रसिद्ध कलाकार थे। तो दोस्तों, इसका कहीं पर उत्तर कथकली दिया गया है, कहीं पर ऊपरी उत्तर इसका मोहिनी अट्टम दिया गया है, लेकिन मैंने जहां ज़्यादा चीज़ें देखी है वो कथकली के बारे में देखी है, ठीक है। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 10, एक परिवार में पिता ने केक का 1/4 हिस्सा लिया जो कि अन्य प्रत्येक सदस्य द्वारा लिए गए हिस्से का 3 गुना था, परिवार के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। तो प्रश्न नंबर 10 का उत्तर आएगा जी 10, ठीक है, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 11 देखिए, हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी क्या कहलाती है। तो इसका आंसर दोस्तों, कहीं पे डाकर लिखा हुआ है, कहीं पे डाबर लिखा हुआ है और कहीं जगह पे नैली लिखा हुआ है, ठीक है। तो 11 का ऑप्शन बी यहाँ पे सही रहेगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 12, महमूद गजनवी ने हरियाणा के थानेसर पर कब आक्रमण किया था। तो ये किया था जी 2014 में, ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 13, अंधकार अनुकूलन समय की कमी से कौन वाले लोगों में क्या बढ़ जाते हैं की कमी वाले लोगों में बढ़ जाती है। तो यहाँ पे यदि अंधकार अनुकूलन समय को हम रतौंधी समझे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, विटामिन ए की कमी से क्या होता है रतौंधी रोग होता है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 14, हरियाणा के पंचकुला जिले में IT पार्क कब स्थापित किया गया था, ये आपको बताना है। तो 2008 में ये पार्क स्थापित किया गया था। उसके बाद में 15, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था। तो ये है दोस्तों आपका RTI एक्ट कब लागू किया था, 15 जून 2005 को लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 16, हितेश की आयु 40 वर्ष और रोनी की आयु 60 वर्ष है, कितने वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात 3:5 था। तो इसका राइट आंसर रहेगा 10, ठीक है, क्या रहेगा 10 रहेगा। और इसकी जो PDF है मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 17 देखिए दोस्तों, क्या है प्रश्न नंबर 17, यहाँ पे पूछा गया है कि मानव रक्त का रंग क्या होगा। तो मानव रक्त का रंग लाल होता है, लाल को क्या कहते हैं, यहाँ पे पीला कहते हैं, लाल को क्या कहा जाएगा, पीला कहा जाएगा। तो इसका उत्तर आएगा बी, ठीक है। 18वें का, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, यदि सिर की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 है तो मुर्गियों की संख्या क्या होगी। तो प्रश्न नंबर 18 का दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा डी 26, क्या रहेगा जी 26, मुर्गियों की संख्या 26 रहेगी। प्रश्न नंबर 19 देखिए, 100 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी। उसके बाद में प्रश्न नंबर 20, हरियाणा में हाल ही में कौन सा वन महोत्सव मनाया गया है। तो ये 72वें नंबर का वन महोत्सव मनाया गया है।
इनमें से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है? तो रोहित शर्मा को भी सम्मानित किया गया है, विराट कोहली को भी किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, ए और बी दोनों को। ठीक है, प्रश्न नंबर 22, हरियाणा के गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी? तो 7 जिले थे हरियाणा में गठन के समय। उसके बाद में प्रश्न नंबर 23, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है इस टाइम पे? तो वो है शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास। उसके बाद में प्रश्न नंबर 24, हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी आर्द्र भूमियों को मान्यता दी गई है? तो ये दी गई है 4 भूमियों को मान्यता दी गई है। ठीक है, तो उसके बाद में प्रश्न नंबर 25, एलिफेंटा गुफा मंदिरों का नामकरण किसके समय में हुआ था? तो दोस्तों ये कहीं पे आपको राष्ट्रकूट लिखा मिलेगा। राष्ट्रकूट ने क्या था, इनको खोजा था। ठीक है, राष्ट्रकूट ने क्या था, इनको खोजा था, लेकिन इनका जो नामकरण है वो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था 1534 में। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 देखिए, विजयनगर साम्राज्य के खंडर कहाँ पर मिले हैं? तो ये मिले जी हम्पी में। और हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटक की नदी है तुंगभद्रा, उसके किनारे पे स्थित है ये। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न नंबर 27, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को जहाँ निर्वासित किया गया था वह स्थान कौन सा था? तो रंगून में भेजा गया था, निर्वासित किया गया था रंगून में। ठीक है, और अब उसको क्या है, म्यांमार बोलते हैं। उसके बाद में प्रश्न नंबर 28, थियोसिफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये बम्बई में है जी, कहाँ पे है, बम्बई में है। उसके बाद में है 29वां, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने सर की उपाधि वापस कर दी थी? तो उसका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी, उन्होंने सर की उपाधि वापस लौटा दी थी। प्रश्न नंबर 30, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बनी सेलुलर जेल अब किस महापुरुष के नाम पर उसका नाम रखा गया है? तो वो रखा गया है जी वीर सावरकर के नाम पे। ठीक है, और प्रश्न नंबर 31, हरियाणा में राय बहादुर खिताब से कौन सम्मानित हुआ है? तो इसका आंसर मेरे को नहीं मिला भाई नेट पे, ये आप देख लेना। ठीक है, प्रश्न नंबर 32 देखिए दोस्तों, हरियाणा के ब्रह्म सरोवर को किस विभूति ने लघु रूप महासागर कहा है? तो ये कहा है अबुल फजल ने। किसने? ऑप्शन ए अबुल फजल। प्रश्न नंबर 33, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरियाणा के किस स्थान पर हराया था? तो तरावड़ी के युद्ध में ही हराया था। तो तरावड़ी इसका ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। उसके बाद में इनमें से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे? तो आचार्य देवव्रत हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे, बाकी के 3 जो हैं ये हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं। मैंने लिस्ट से चेक किए, फिर लिस्ट जो है आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में प्रश्न नंबर 35, निम्न में से हरियाणा राज्य के संबंध में कौन सा गलत है? तो बाजे भगत भी हरियाणा संबंधित है, वीके का भी जन्म हरियाणा से है, और अरविंद केजरीवाल का भी जो गुलाबचंद कटारिया है ये हरियाणा से नहीं है। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न नंबर 36, हरियाणा राज्य की घटना पर बनी फिल्म NH10 की अभिनेत्री कौन थी? तो अनुष्का शर्मा इसका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 37, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के पिता जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं उनका नाम क्या था? तो इसका नाम था जी एस आर बोम्मई, ऑप्शन सी। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 38, भारत के लिए विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इसका राइट आंसर रहेगा जी ऑप्शन बी प्रियामलिक। ठीक है, क्या है? प्रियामलिक। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 39, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आएगा जी ऑप्शन ए पुरसला वेंकट सिंधु। क्या है? ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा, पुरसला वेंकट सिंधु। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न नंबर 40, खेलो होबे शब्द किस राज्य के चुनाव में प्रसिद्ध हुआ? तो ये हुआ था जी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 41, आकाशवाणी के निर्देशक 2021 में कौन है, यानी कि वर्तमान निदेशक की बात की है तो वो है एन वेणुधर रेड्डी, ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। उसके बाद में हरियाणा राज्य जो HSSC के चेयरमैन है भोपाल सिंह खदरी, उन्होंने खदरी लगाया अपने नाम के पीछे, तो इसका मतलब क्या है? तो गोत्र का नाम यहाँ पे माना जाएगा, गोत्र का नाम। उसके बाद में प्रश्न नंबर 43, हरियाणा में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो आएगा जी श्रवण कुमार गर्ग, ऑप्शन ए। उसके बाद में प्रश्न नंबर 44, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय किस क्रम में हैं? तो वे हैं जी 18वें। क्या है? 18वें। उसके बाद में उत्तराखंड राज्य में ऐसे कौन से मंत्री हैं जिनका संबंध हरियाणा से है? तो ये राइट आंसर नहीं मिला जी कहीं पे भी। ठीक है, ये आप एक बार देख लेना। उसके बाद में प्रश्न नंबर 46,
हरियाणा के ऐसे कौन से सांसद हैं जिनके पिता की मृत्यु हाल ही में हुई है, तो ये जो चीज़ है आप देख लीजिएगा, ये लेटेस्ट चीज़ें हैं, एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद में है हरियाणा के गृह मंत्री की प्रमुख विशेषता क्या है, तो वे भाई अनमैरिड है, भी क्या है, वे अनमैरिड है, ठीक है। प्रश्न नंबर 48 का देखिए भाई, इनमें से कौन भारत के गृह मंत्री नहीं रहे हैं, तो इसका उत्तर आएगा जी, राइट आंसर रहेगा जगमोहन, क्या रहेगा, जगमोहन, बाकी के सभी गृह मंत्री रहे हैं। उसके बाद में प्रश्न नंबर 49, भारत सरकार के गृह मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये नॉर्थ ब्लॉक दिल्ली में स्थित है। उसके बाद में है जी 50वां प्रश्न, ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है, मंत्री है जो गृहमंत्री भी रहा है और प्रधानमंत्री भी रहा है, तो इंदिरा गांधी ऐसी है जो गृहमंत्री भी बनी थी और प्रधानमंत्री भी बनी थी, ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए। उसके बाद में प्रश्न नंबर 51, कौन सा हरियाणा का पुलिस अधिकारी नहीं है, तो इसमें जो ओपी सिंह है, क्या है, ओपी सिंह है, ये हरियाणा का कोई पुलिस अधिकारी नहीं है। जो मोहम्मद शाइन है ये डीसी रहे हैं, जो हामिद अख्तर रहे हैं वो आईपीएस रहे हैं, जो मोहम्मद आकिल रहे हैं वो एडीजीपी रहे हैं, ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा, ओपी सिंह, ये कोई पुलिस अधिकारी नहीं है। उसके बाद में है 52वां, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो कैपरा एग्रीग्रेस हिरकस, क्या है, इनका जो वैज्ञानिक नाम है बकरी का, ठीक है, ऑप्शन ए। उसके बाद में हरियाणा में कौन सा जिला विधिवत रूप से जिला नहीं है मगर पुलिस जिला है, तो ये जो मैंने हरियाणा पुलिस का कंसेप्ट करवा था, मैंने बताया था कि भाई एक दो प्रश्न आपका पक्का पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हांसी है ये पुलिस जिला तो है लेकिन वैसे नॉर्मल जिला नहीं है। हांसी और मानेसर दो ऐसे ज़िले हैं जो पुलिस ज़िले हैं लेकिन नॉर्मल ज़िले नहीं है, तो हांसी इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद में हरियाणा पुलिस की भर्ती में PST शब्द का क्या अर्थ है, तो फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट इसका अर्थ रहेगा, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, ये बार बार मैं मेरी वीडियो में यूज करता ही हूँ। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 55, हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा जी नवराज संधू, और ये मैंने जो नोट्स शेयर किए थे टेलीग्राम पर उन पर भी मैंने ये चीज़ बताई थी आपको। और प्रश्न नंबर 26 का भाई राइट आंसर नहीं मिला मेरे को, मैंने बहुत बार सर्च किया इसको। प्रश्न नंबर 57 का देखिए, हरियाणा पुलिस का मोटो क्या है, तो सेवा सुरक्षा सहयोग हरियाणा पुलिस का मोटो है, ये मैंने हरियाणा पुलिस वाली जो वीडियो कराई थी वो मात्र 40-50 मिनट की वीडियो थी, उसमें से ये प्रश्न आपका डायरेक्ट यहाँ पे आया है और ये चीज़ें सभी के करवाई हुई आई हुई है भाई, ठीक है। और उसके बाद में प्रश्न नंबर 58, हिंदी भी और इंग्लिश भी दोनों चीज़ आई है भाई, तो जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उसको क्या कहते हैं, उसको योगी कहते हैं भाई, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद में है मुहावरे का अर्थ बताना है, छचुंदर के सिर में चमेली का तेल, तो इसका राइट आंसर रहेगा अयोग्य व्यक्ति को उच्च पद मिलना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। उसके बाद में मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसमें विशेषण पूछी गई, कौन सी विशेषण है, तो परिणामवाचक, क्या है, इसमें विशेषण है, ठीक है, परिणामवाचक। उसके बाद में है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर का अर्थ नहीं है, तो इसका राइट आंसर रहेगा जी आपका कर्म, क्या रहेगा जी, इसका राइट आंसर रहेगा कर्म, ठीक है। उसके बाद में है विश्वामित्र की संधि विजेत करनी है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी, विश्व प्लस मित्र, क्या रहेगा, विश्व प्लस मित्र, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। उसके बाद में है परमेश्वर में कौन सा समास है, परमेश्वर में कौन सा समास है, तो भाई कर्मधारय समास इसके अंदर है, 63 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। और प्रश्न नंबर 67 दोस्तों, इसका रहेगा ए लिटल, क्या रहेगा, ए लिटल, ठीक है। और जो 66वां है इसमें रहेगा डू यू वांट फर्दर हेल्प, ठीक है, ये थोड़े डाउट वाले हैं इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, जो इंग्लिश वाले हैं ये एक बार आप देख लीजिएगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 69 है भाई, एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 5/16 ज्ञात करने को कहा गया, गलती से उसने उस संख्या का 5/6 ज्ञात कर लिया, उसका उत्तर सही उत्तर से 250 अधिक था, तो दी गई संख्या ज्ञात कर लीजिए, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो 480 आएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 70 है, किस आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने पर चौड़ाई में कितनी कमी करनी होगी जिससे क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन ना आए, तो इसका राइट आंसर आएगा 9 सही 1/11, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद में है निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कीजिए 71 का, तो 24, 60, 120 और 210 दिया गया है, तो इसका राइट आंसर अगला रहेगा 336, क्या रहेगा, 336, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 72, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न सबसे छोटी है, निम्नलिखित भिन्न दी गई है इनमें से छोटी बतानी है आपको, तो 14/19 सबसे छोटी भिन्न है। प्रश्न नंबर 73, निम्नलिखित में से क्या जोड़ा जाए
जिससे वह 9 से भाज्य बन जाए। तो भाई इस संख्या में क्या जोड़ा जाए कि 9 से ये भाग हो जाए, तो इसमें आप 3 जोड़ दोगे तो ये पूरी भाग हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक किस में होता है? तो सबसे अधिक वेग होता है ठोस में। किस में होता है? ठोस में होता है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जो लकड़ी है ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। बाकी के 3 प्राकृतिक गैस है, कोयला है, पेट्रोलियम है, ये आपके जीवाश्म ईंधन है, लकड़ी नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा डी। कंकाल की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? भाई छंत्र का सी फीमर रहेगा, ये होती है जांग की हड्डी। ठीक है, पैर से जांग की हड्डी होगी। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं। भाई इसकी जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे मैंने शेयर कर रखी है और ऐप में भी डाल रखी है। उसके बाद में स्वतंत्रवा सेवालों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो सेवालों की जो विज्ञान को जो कहा गया जाएगा वो फाइकोलॉजी कहा जाएगा, फाइकोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। उसके बाद में अठंतर का आपको ये सही जोड़ने हैं। तो प्रोटॉन का आविष्कार रदरफोर्ड ने किया था भाई, न्यूट्रॉन का चैडविक ने किया था, फोटोन का आविष्कार एच युकावा ने नहीं किया, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे जे थॉमसन ने ही किया था। तो यहाँ पे जो सी पेयर है, जो सी युग्म है, ये गलत है, क्योंकि फोटोन का जो आविष्कार है वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 79, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य कर्मचारी चयन आयोग का प्रावधान है? तो भाई यहाँ पे क्या है, तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा इनमें से कोई नहीं। ये आप क्या है HSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, इसका अनुच्छेद 309 आएगा, अनुच्छेद 309। ठीक है, तो 79 का डी राइट आंसर है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 80, इनमें से कौन हरियाणा राज्य के राज्यसभा के सदस्य नहीं है? तो कुमारी शैलजा इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन ए। उसके बाद में है इंग्लैंड केवल चुनावों के दिनों में ही स्वतंत्र होता है, यह कथन किसका है? तो इसका रहेगा भाई ऑप्शन ए रूसो। ठीक है, ऑप्शन ए रूसो। उसके बाद में 82, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ढाल किसे कहा जाता है? तो इसका रहेगा रेफरेंडम, ऑप्शन सी रेफरेंडम। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न नंबर 83, हरियाणा के किस जिले में विधायक पद आरक्षित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? यानी कि भाई किस विधायक किस जगह पर क्या है आरक्षित सीट नहीं है? तो पंचकुला में, फरीदाबाद में, दादरी में, कहीं पर भी आरक्षित सीट नहीं है। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 84 देखिए, निम्नलिखित स्थानों में से हरियाणा की सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ पे है? तो ये रहेगी जी लाडवा में। कहाँ पे रहेगी? लाडवा में। उसके बाद में प्रश्न नंबर 85, गेहूँ की फसल को बोते समय कितना तापमान होना चाहिए? तो भाई यहाँ पे कई जगह पे 21 डिग्री से 22 डिग्री बताया गया है, कई जगह पे 15 डिग्री से 18 डिग्री बताया है। तो यहाँ पे मोस्टली जो आंसर आएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आएगा। तो ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 86, हरियाणा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड द्वारा, तो इसका भाई कहीं पे भी कोई डिटेल नहीं मिली है, तो ये आपको खुद निकालना पड़ेगा। उसके बाद में है हरियाणा के हिसार में राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र कब खोला गया? तो ये खोला गया था जी 7 जनवरी 1986 को, खोला गया था 7 जनवरी 1986 को। ठीक है, आगे चलते हैं। हरियाणा में बन संतोर किस जिले में स्थित है? बन संतोर, तो ये है जी यमुनानगर में। क्या है? यमुनानगर में। उसके बाद में भाई एक लाइन में यदि हमें शुरू में आना हो, यदि हमें एंड में जाना हो, लाइन के शुरू में या एंड में हमें कौन कौन से बटनों का प्रयोग करना पड़ता है? तो हमें होम बटन से हम क्या है सबसे लाइन के सबसे स्टार्ट में आ सकते हैं, और एंड दबाएंगे तो हम उस लाइन के सबसे एंड में चले जाएंगे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद में है सॉफ्टवेयर टेक्स्ट आधारित दस्तावेज जैसे न्यूज़लेटर या ब्रोशर बनाने के लिए होता है? तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग का यूज होता है भाई। ठीक है, उसके बाद में 91, तो ये भी नहीं मिला भाई कहीं पे पर्सन मेरे को। ठीक है, ये आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद में बैकस्पेस कुंजी कर्सर के खालिस्तान के अक्षरों को मिटाती है? दो बाएं साइड के अक्षरों को मिटाती है। उसके बाद में भाई 93, कोई व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं जो एक या अधिक केंद्रीयकृत कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, वे कौन से सर्वर कहलाते हैं? तो नेटवर्क सर्वर कहलाते हैं, ऑप्शन सी नेटवर्क सर्वर। तो प्रश्न नंबर 94 भाई, बस केवल CPU और रैम को जोड़ता है? तो यह आएगा एड्रेस, ऑप्शन सी। ठीक है, उसके बाद में यदि हेल्प का कोड 5 है तो बेल का कोड क्या होगा? यदि हेल्प का कोड
ओ परमात्मा, हरे कृष्णा हरे राम। तो भाई बेल का कोड क्या रहेगा, वो रहेगा 4, ठीक है। उसके बाद में जर्मन विधानसभा की संघीय सभा को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ए बुंदेशटाग, क्या रहेगा बुंदेशटाग। उसके बाद में है ब्रिटिश काल के दौरान हरियाणा कब खालिस्तान में पंजाब का भाग बना, तो 1858, क्या रहेगा 1858 में बना भाई हरियाणा पंजाब का हिस्सा। उसके बाद में भाई वेब पर प्रत्येक वेबसाइट या दस्तावेज के आधार इकाई एक खालिस्तान है जिसमें सूचना होती है, तो भाई कहीं पे वेब सर्वर भी लिखा है, कहीं पे वेब पेज भी लिखा है, तो यहाँ पे वेब पेज वेब सर्वर में से एक है, आप देख लेना। उसके बाद में प्रश्न नंबर 99, 24, 26 और 40 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो इसका राइट आंसर रहेगा जी ऑप्शन सी 360, ठीक है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 100, कार्तिक सांस्कृतिक समारोह का लक्ष्य खालिस्तान को बढ़ावा देना है, तो मार्शल आर्ट और लोक कला को बढ़ावा देना क्या है कार्तिक सांस्कृतिक समारोह का लक्ष्य, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये 100% में से मेरे हिसाब से 10% आपके पेंडिंग है जो मैंने सर्च किए लेकिन मेरे को नहीं मिले, ठीक है। और इसकी जो PDF है मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दी है, आप PDF वहाँ से ले लीजिए और आप भी अच्छे से देखिए, और कोई आपको लगे भाई मैंने कोई क्वेश्चन गलत बताया, कोई उत्तर गलत बताया है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, और ताकि उस चीज़ को सही किया जा सके। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।